बन रहे हैं? गुलगुले। गुलगुले। और ये दाल, एक साल बाद ये दाल बनना शुरू हुई है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको रमजान अल्लाह देता है, मतलब मिलते हैं ये दाल, हर चीज ये खुशी से ज्यादा खुशी बढ़ के कोई दुनिया में चीज नहीं है। अल्लाह सबको नसीब करे बस। हाँ, हमने कल दुआ करी थी कि या अल्लाह जो दुनिया से जा चुके हैं उनके घर वालों को सब्र दे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। ऐसे टाइम पे और याद आती है उनकी फैमिली। अल्लाह कल हमने दुआ कर दी थी अच्छे से खूब उनके लिए। ये पकौड़े के लिए रखा है, ये गुलगुले के लिए रखा है, यहाँ पे गुलगुले बन रहे हैं, बस इतना बहुत है और फ्रूट्स हो जाएंगे। ये है चने, कल 9 बजे आएगा ब्लड टेस्ट वाला। लो हैप्पी। आपको पता है सनी ने जिंदगी में आज तक चीकू नहीं खाया? मैं नहीं खाया, मुझे देख के जाने कैसा लगता है अंदर से। खाए देख के लगता है अजीब सा। आज खिलाएंगे इफ्तार के बाद। नहीं 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 भैया, मैंने उल्टी हो जाएगी। नहीं एक मिनट खाओगे फिर बताओगे। कलर तो देखो अच्छा रमजान के लिए। पहले थी ना वही दुकान पे गए थे, एक कुर्ता भी था और नीचे इसका प्लाजो भी था, बहुत अच्छा लगेगा। एक सादा कुर्ता अम्मा उसको रमजान के लिए दिलाया है। कम हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बेटी खाला और अम्मी जो है इफ्तारी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत कुछ बन रहे हैं, पकोड़े गुलगुले और भी बहुत कुछ, फ्रूट्स भी काट रहे हैं। लेकिन सब लोग सोच रहे हैं इतने सारे लोगों को हॉल में जगह कैसे होगा, क्योंकि आप सबको पता है यहाँ पर सोफ़े रखे हुए हैं। तो रेहान जो कह रहे हैं कि सोफ़े को हटा देते हैं इफ्तारी के टाइम के लिए, तो वही करें। फिर सबको वहाँ पर बैठने को मिला है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, अच्छे से इफ्तारी सजाया है सब लोगों ने मिलकर। और रूहान फर्स्ट टाइम अपनी दादी के घर आके इफ्तारी की, रूहान भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किए हैं। आप लोग दीपिका के ब्लॉग में वो देखा ही होगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखो आगे आने वाले।